और कैसा गया एग्जाम? था 3 घंटे का। कौन सा सब्जेक्ट था? पता नहीं, साइंस या मैथ्स का होगा। तो रात को क्या पढ़ रही थी? किताब कौन सी? पता नहीं, थी एक ब्लू कलर की किताब। अरे वाह, आ गई बेटा तू। मम्मी मम्मी जल्दी चलिए, पापा ने अपने खीर पे दावा भूल गया। वो खीर में से किशमिश निकाल के उसे तोड़ के वापस खीर बना रहे। हाँ मैं भूल ही गई, मैंने तेरे लिए खीर बनाया, चल खा ले। नो थैंक्स। आपने सुना नहीं अभी पापा ने क्या बोला? हाँ सुना ना, वो खीर में से किशमिश निकाल के उसे चूस के वापस खीर में डाल रहा है। तो आप कुछ बोलेगी नहीं उन्हें? नहीं, क्यों? ठीक है तो फिर चलती हूँ मैं अपने कमरे में। अरे डोली जी, ये देखिए सानी के स्कूल से मेल आया। अरे वाह, कोई कंपटीशन में जीती है क्या? हाँ पढ़ रहा हूँ। Dear parents, please be informed that your ward Sanvi has been rusticated from school for a week. क्या बोल रही है? सानवी को स्कूल से 1 हफ्ते के लिए निकाल दिया गया। क्या? पर क्यों? पता नहीं, बुलाओ उसे। सानवी आना जरा। स्कूल से ईमेल आया। हाँ क्यों? नवरात्रि के बीच में एग्जाम रख दिए थे तो मैं फोन और स्पीकर लेके गई थी दोस्तों के साथ स्कूल में गरबा करने के लिए। मैंने 9 महीने के लिए तुझे पेट में उठाया, पता है यार। वैसे ये एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? 21 तारीख को। वैसे ये स्कूल वाले रिश्वत कितना लेते हैं? लेते होंगे 25,000। 25,000? ठीक है ठीक है। 3 साल से एक नया 10,000 का फोन मांग रही हो, वो दिलाने के लिए तैयार नहीं हो, और ये 25,000 का रिश्वत देने के लिए तैयार हो? तू तो चुप ही रह। पता है जो कल 2,000 का पैंट लिया तूने, उसमें 30-40 रुमाल आ जाते हैं। उन 30-40 रुमालों से आपका एक कच्छा भी नहीं बनता। बेटा इतना भी पर्सनल नहीं होना था। तूने तो बोला था जरा सी शॉपिंग करनी है। मैंने जारा बोला था, कपड़ों का दुकान है वो। चल बिट्टू, उसके स्कूल वालों से बात करके आते हैं। 1 हफ्ते स्कूल नहीं गई तो क्या हो जाएगा? 1 हफ्ते के लिए मेरा जीना हराम हो जाएगा। अब नहीं बोलोगे 25,000 में कितने रुमाल आ जाते हैं?